आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपीटीवी की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी के केली मार्ग पर इन दोनों एक खेत में बंधी साड़ियां देखकर आने जाने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि कोई धोबी घाट है। साड़ियां धोकर सुखाई गई है, लेकिन यह देसी जुगाड़ शिमला मिर्च की फसल को बचाने के लिए किसान द्वारा किया गया है। किसान मोहन परमार ने अपने 4.5 एकड़ खेत में शिमला मिर्च की फसल लगाई थी। कुवार की तेज गर्मी एवं धूप से फसल को बचाने के लिए साड़ियों से मिर्ची के पौधे के ऊपर लगाई गई है। किसान से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिमला मिर्च के पौधे पर लगने वाली मिर्च तेज धूप से झुलसने से मिर्च की फसल खराब होती थी। शिमला मिर्च की वहीं इस पर दाग लगने की आशंका बनी रहती थी। इसे बचाने के लिए 150 से ज्यादा साड़ियां लगाई गई। आपने अपने खेत में जो साड़ियां लगाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? साड़ियाँ ये जो कि सितंबर महीने में टेम्परेचर अधिक रहता है, जिससे फल खराब हो रहे थे, तो मैं खेती के पर्पस से महाराष्ट्र गुजरात वगैरह देखता रहता हूँ, तो वहाँ पर देखा कि साड़ियाँ लगी हुई थी और ये साड़ियाँ 15 रुपये नग में पीपल गांव से लाए हैं। 3000 साड़ी बुलाई थी, 45,000 रुपये की साड़ियाँ है और 10,000 रुपये इनको लाने में भाड़ा लगा है और 10,000 रुपये मजदूरों की व्यवस्था लगाने में लगी है, जिससे फल खराब नहीं हो रहा है। जो फल खराब हो रहे थे, दाग लग रहे थे, उससे बचत हो गई है। क्योंकि प्रतिवर्ष मैं शिमला की खेती करते रहता हूँ, तो इस बार ये संसाधन हो गया है ताकि आने वाले समय में ये और उपयोग में आता रहेगा। शिमला का उत्पादन तो काफ़ी है, अब ये मौसम के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर थोड़ा सा ठंडा मौसम रहा तो ये नवम्बर दिसंबर तक टिक जाएगी और ये साड़ियों की व्यवस्था से नवंबर दिसंबर तक टिक जाएगी। अगर साड़ियां नहीं लगाते तो अभी ये खत्म हो जाती है।